नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि चने में ज़्यादातर किसान ये गलती करते हैं कि फूल पर तो टॉनिक मार देते हैं, डाल देते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन उसके बाद जब पूरी तरीके से फूल ख़त्म हो जाते हैं और जब दाना बनने की प्रोसेस चालू होती है, मतलब घेटी में जब दाना बनता है, तब कुछ भी नहीं करते हैं, बस एक स्प्रे कर देते हैं कीटनाशक का, या फिर वो भी नहीं करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसमें भी कुछ पोषक तत्वों की पूर्ति करना है, क्योंकि जब दाना बनता है तो बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो उसमें हमें आप टॉनिक ले सकते हैं, मतलब कोई भी टॉनिक ले सकते हैं। मैं तो फेंटेक प्लस का यूज़ करता हूँ। फेंटेक प्लस बढ़िया है क्योंकि वो मतलब दाने का भार बढ़ाती है और सभी घेटियों में, ये तो नहीं कि टोटल काम वही दाने की कर देगी, साथ में और भी खाद देना है हमें, लेकिन फिर भी उससे बहुत कुछ फ़ायदा हो जाता है। जैसे सभी घेटियों में दो दो दाने, और मतलब घेटी गिरेगी नहीं, डंठल मजबूत करती है वो। और साथ में हमें देना है साथ में बोरोन। बोरोन बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, क्योंकि ये भी चने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फ्रूटिंग और फूल बनते टाइम, तो बोरोन का यूज़ करना है। बोरोन आप 20% वाला भी ले सकते हैं, 14% वाला भी ले सकते हैं, बस मात्रा अलग अलग लेना है। जैसे कि अगर आप 20% वाला लेना है तो वो 100 ग्राम पर्याप्त रहता है एक एकड़ के लिए, 100 से 150 ग्राम। बस पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, अगर 150 ग्राम लेते हैं तो 150 लीटर पानी, 100 ग्राम लेते हैं तो 100 लीटर पानी। और अगर आप 14% वाला लेते हैं तो उसको आप 200 ग्राम तक भी ले सकते हैं, लेकिन 200 ग्राम बहुत ज़्यादा हो जाता है, 150 कर लीजिए। तो उसके अलावा हमें लेना है 0050, या फिर आप ले सकते हैं जो हमारा कट्टा आता है 50 kg का पोटास का, जिसमें 60% पोटास होता है। तो मैं तो उसका ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो 0050 आता है वो बहुत महंगा पड़ता है। तो हमें लेना है पोटास 1 kg, उसको बढ़िया एक दिन पहले, जैसे कल स्प्रे करने वाले हैं तो उसके एक दिन पहले हमें घोल के रख देना है और दूसरे दिन स्प्रे करना है। इसकी डोज की बात करें तो 1 kg 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। जैसे 5 टंकी लगती है हमें, 5 पंप, तो 1 kg घोल दें, 5 पंप का घोल बना लें। और बोरोन का भी ऐसे ही 100 ग्राम, या फिर 14% वाला लेते हैं तो 150 से 200 ग्राम, उसका भी 5 टंकी का घोल बना लें और स्प्रे करें। और साथ में आप लेना चाहें तो जिंक ले सकते हैं, चिलेटेड जिंक। चिलेटेड, अगर चिलेटेड नहीं भी लेते हैं तो हम इसमें फास्फोरस तो डाल नहीं रहे हैं, तो आप चिलेटेड नहीं तो ये भी ले सकते हैं, 33% वाला या 21% वाला जिंक सल्फेट। क्योंकि किसान भाइयों, जिंक का काम यह है कि वो क्लोरोफिल की मात्रा बनाता बढ़ाता है, जिससे पौधा जल्दी जल्दी भोजन बनाता है, जिससे क्या फ्रूट ज़्यादा बनेंगे। मतलब घेटियों में ज़्यादातर घेटियाँ आपको दो दो दाने वाली ही दिखेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।